देखो इधर मेट्रो स्टेशन बन रहा है ना, तो देखो कैसे बनता है यार, कितना बड़ा बड़ा मशीन होता है। तो राजेंद्र नगर स्टेशन के बिल्कुल सामने में है और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनेगी, प्लस पटरियाँ तो उधर से जाएगी ही, यहाँ पे मेन स्टेशन बनेगी। अभी S7 गई है, ये वाली S6 है, फिर S5 आएगी और फिर S4 आएगी। तो देख रहे हो अभी S6 ये वाली क्रॉस कर रही है, सीट है भाई अपना, देख रहे हो 12 13 14, ये 14 नंबर है। तो गाइस देखो यार, अपना स्लीपर का ये हाल है, अभी पटना जंक्शन पहुँचे हैं, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग बिहार जा रहे हैं क्योंकि रात में 9 बजे अपना मगध ट्रेन है। भाई स्लीपर में हुआ, एसी में नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटिंग शो कर रहा था, प्लस तत्काल में नहीं हो पाया तो स्लीपर में ही किए, और गर्मी उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए अपन लोग फ़ैन भी ले लिए, प्लस कुछ सामान लिए। लेकिन हाँ, रिटर्निंग टाइम अपन लोग आएंगे ना वापस दिल्ली, तो उसके लिए अपन लोग फर्स्ट एसी किए हैं, बट उसमें एक वेटिंग है, तो देखते हैं कन्फर्म होता है फिर नहीं होता। तो बहुत जल्द रिटर्न भी आएंगे, फर्स्ट एसी का आप लोग दिखाएंगे अभी कैसा फर्स्ट एसी होता है चिरंजीवी में। तो चलो अभी यहाँ से पहले रेलवे स्टेशन चलते हैं, 9:05 में ट्रेन है, अभी 7:30 हो रहा है। आज देख सकते हो अभी अपन लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, आप लोग पहले भी तो देखे ही होंगे। तो यहाँ से अपन लोग वीडियो को पॉज करते हैं, डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, चेक इन करते हैं, फिर डायरेक्ट ट्रेन के पास मिलेंगे। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी मगध, देख रहे हो भीड़ भाई, मेट्रो में इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि बता ही नहीं सकते हैं, बट फिर भी यार झेलते झलते आ गए अपन लोग। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हिलता है यार अपने से, तो अभी अपन लोग अंदर चलते हैं चेक इन करवा के, क्योंकि मेरा S4 में 14 नंबर सीट है। भाई गर्मी में कैसे जाएंगे ना, ये तो भाई बता ही नहीं सकते, 2-3 बजे पहले नहीं बिहार पहुँचाती है ट्रेन। तो भाई भीड़ देखो यार, कितना भयानक भीड़ है, मगध का ही भीड़ होगा, देख रहे हो हम भी तो इसी भीड़ में आ गए हैं, बस जनरल ना छोड़ के, जनरल छोड़ के अपन लोग स्लीपर में आए हैं, तो स्लीपर भी जनरल से कम थोड़ी होगा अभी का टाइम में, सॉरी। सो भाई मतलब वेट कर रहे हैं, बस देखते हैं कितना टाइम और लगता है आने में, अभी तो फिलहाल 2082, हाँ ये ट्रेन नंबर है अपना मगध का, इसी पे आएगी, मेरे को लगा था 14 नंबर पर ही आएगी, इसी पर आएगी। तो ये देखो ये आ भी गई मगध ट्रेन, S4 में 14 नंबर सीट है, देख रहे हो ये लिखा हुआ हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, इसी को मगध ही बोलते हैं, हटिया इस्लामपुर कहीं। भीड़ देख रहे हो भाई, ये देखो भीड़ इधर, भीड़ देख रहे हो कितना भीड़ है, बहुत ही भयानक वाला। ये तो एसी है यार, A2 सेकेंड एसी, और अपना चिरंजीवी वाला देखते कंफर्म होता है फिर नहीं होता, जो कि 2-3 दिन बाद ही अपना ट्रेन है, क्योंकि 2-3 दिन कुछ काम है बिहार शरीफ में, इसीलिए अपन लोग जा रहे हैं, वो काम जल्दी से हो जाए फिर अपन लोग वापस आ जाएंगे दिल्ली। सो भाई देखते यार, भीड़ तो काफ़ी भयानक है यार, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 14 नंबर प्लेटफॉर्म, और फिर ये वाली है 15 नंबर, और उधर के साइड है 16 नंबर, और सामने वाला एक ट्रेन भी आके लग चुका है 16 नंबर पर, प्लस यहीं से अपन लोग आए थे। भाई B6 अभी जा रहा है, अभी S7 गई है, ये वाली S6 है, फिर S5 आएगी और फिर S4 आएगी। तो देख रहा अभी S6 ये वाली क्रॉस कर रही है, हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, इसी को मगध ही बोलते हैं भाई, 2083 उस पर लिखा हुआ होगा 2 ट्रेन नंबर। तो ये आ गई S5 और उसके पीछे वाली S4 है। भीड़ तो काफ़ी भयानक है यार, कुछ भी बोलो, बहुत ही गंदा वाला भीड़ है, प्लस और भी आ ही रहे लोग, देख रहे हो यार। S4 उधर ही रुक गया यार, S4 वाला बर्थ, वो देखो वही वाला, यही वाला है, ये गेट वाला दिख रहा, यही वाला, ये तो फिलहाल S5 गई है अभी उधर, ये देख लो S5 और फिर ये S4 है, गेट पर से ही देख रहे हो कैसे लोग चढ़ने के लिए रेडी है। भाई जिसका सीट है वो तो सीट पे ही बैठेगा ना, ये देखो, तो अपना 14 नंबर सीट है, इधर से ही अपना करीब पड़ेगा, ये तो 80 से मतलब उधर से 14 पड़ेगा, तो चलो चलते ट्रेन के अंदर पहले। ये देख रहे हो भाई ऐसा कुछ है अपना, ये तो 28 नंबर है, इधर के साइड 14 नंबर है भाई, ऐसा सीट है यार भाई, मतलब कैसे बैठेंगे, तो इतना गर्मी है, प्लस फैन वैन भी देखो यार कैसा फैन है, 28 नंबर है ये, 28 28 नंबर, 20 इधर होगा, 20 वाला इधर ही होगा,
26 उसके बगल वाले में, उधर है 20 नंबर और उसके आगे 14 नंबर, इधर होगा 20, मेरा 14 नंबर है उधर ही है, तो उधर 14 नंबर ही अपने को जाने है, ये दादा को भी 20 नंबर जाना है। सीट है भाई अपना देख रहे हो, 12 13 14, ये 14 नंबर है, ये वाला सीट है अपना, बैग देख रहे हो, सामान इसमें खाने पीने वाला और इसमें कुछ थोड़ा बहुत सामान है, तो इधर ही है 14 नंबर भाई, ऐसा कुछ है, गर्मी तो इतना लगेगा ना पूछो ही मत यार। और इधर के साइड देखो यार, पूरा अंधेरा लग रहा है बाहर के साइड, और देखो कितना भीड़ है, देख रहे हो कितना भीड़ है, सारे लोग आ रहे हैं यार, मतलब बहुत ही भयानक, बहुत गंदा लग रहा है यार ये ट्रेन, एकदम बहुत ही घटिया ट्रेन है, क्या ही बोले भाई, मजबूरन था। तो गाइस देख सकते हो मेरा सीट के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ, प्लस सामने वाला दूसरे का सीट है, और फिर नीचे की साइड देखो तो काफी सारे लोग आ चुके हैं, प्लस एक सीट पे ना 3-4 लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हो पीछे के साइड भी, प्लस अभी पूरा भरा नहीं है, अभी और भर रहा है, लास्ट 9:05 तक खुलेगी ट्रेन, तो अभी और भीड़ आ गई, प्लस एक सीट पे 2-3 जन है। देखो मैं बोल रहा था ना भाई, जिंदल वाली फीलिंग्स तो आ गई यार, देखो कैसे कचम कच करके भीड़ आ रही है भाई, आते जा रहे अंदर के साइड, आवाज सुनो ये लोग और कैसा आवाज है पहले तो। लो अब भी आ गई ना जनरल वाली फीलिंग्स, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था भाई, मतलब इतना ज्यादा ठचम ठच करके भीड़ हो रखा है भाई, पूछो ही मत। अभी रात्रि का टाइम हो रखा, 1 बज रखा, और फिर देखो सारे लोग कैसे सो रहे हैं, बीच बीच में सारे लोग बिछा के सो रखे हैं, प्लस ये सामने की साइड इनको कुछ बीमारी है, तो वो तो भाई बीमारी तो हर किसी को हो जाता है भाई, वो तो किसी को बोल के नहीं आता। और इधर देखो यार, सारे लाइट ऑफ करके ना नीचे बिछा के सारे लोग लेटे हुए हैं भाई, जनरल से कम ना है ये। तो गाइस देखो यार, अपना स्लीपर का ये हाल है, अभी पटना जंक्शन पहुँचे हैं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 1 बजने वाला, और ये अपना स्लीपर है, बिल्कुल जनरल बन, एकदम अंदर इतना घटिया हो चुका ना यार, पूछो ही मत, बहुत ही घटिया हो चुका, पूरा जनरल बन चुका अंदर के साइड भाई, मैं तो अभी मतलब क्या ही बोले यार, एकदम पछता रहे हैं कि हम इससे हाल देखो। पटना जंक्शन है, till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. So finally भाई, अभी अपन लोग राजेंद्र नगर आ गए, और देखो यार ट्रेन से उतर गए, बहुत ज़्यादा अभी इधर भी लोग चढ़ रहे हैं, तो अभी अपन लोग राजेंद्र नगर में उतरे हैं, यहाँ से अपने को बस ऑटो लेना पड़ेगा अगम कुआं, फिर अगम कुआं से पहाड़ी, और फिर पहाड़ी से बाईपास। ये देखो ये राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है, लाइक टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, और अभी अपन लोग 4 नंबर पे हैं, और इधर की साइड देख सकते हो काफ़ी सारे लोग हैं बैठे हुए, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से अपन लोग जल्दी से बाहर की तरफ चलते हैं। तो लेट हुई है 1 घंटे, ट्रेन लेट है 1/2 घंटे, बट सही है यार, फिर भी सही टाइम पे पहुँचा दिया, बस बट भूखे हैं ना, तो थोड़ा सा बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक पूजा करेंगे नहीं तब तक खा नहीं सकते हैं इसी कारण से। प्लस देखो यार कुछ ऐसा है प्लेटफॉर्म इधर का, आपको पूरा अच्छा वाला रिवील वाला वीडियो चाहिए ना, तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपन लोग राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को भी रिवील करेंगे अच्छे तरीके से, एकदम मस्त वाला। प्लस इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और इधर के साइड देखो। तो गाइस 2 बज चुका है, 2:20 हो चुका है, 2:30 बजने को है, सुबह से भी अपन लोग कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि मेरा रीजन होता है, मैं भाई पूजा करता हूँ, पहले नहाता हूँ धोता हूँ, फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर ही खाना खाता हूँ, तो अभी तक अपन लोग भूखे हैं, प्लस स्लीपर शायद जनरल की तरह, तो समझ ही सकते हो,
तो अभी अपन लोग इधर से निकलते हैं। पहले अभी अपन लोग जाएंगे बाहर राजेंद्र नगर का, ऑटो लेंगे अगम कुआँ का, उसके बाद अगम कुआँ से पहाड़ी का, फिर पहाड़ी पर से बस लेंगे। मैं मतलब स्लीपर को एकदम जनरल बन चुका था एकदम, मतलब सोए हैं कैसे कैसे ना हो तो हम भी जानते हैं। तो यार जिसको एक्सपीरियंस ना हो ना जनरल से जाने का, वो प्लीज़ अभी के टाइम में स्लीपर से मत आना, खास करके मगध और सरंजीवी ये सब का स्लीपर है मत आना। तो अभी फिलहाल अपन लोग जाते हैं यहाँ से, ऑटो लेते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, सोच रहे हैं यहाँ पर वीडियो को एंड करेगा इस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार, हाईवे नहीं है ना तो भूख लगो काफ़ी जोर का, इसीलिए बाय बाय गाइस। देखो इधर मेट्रो स्टेशन बन रहा है ना, तो देखो कैसे बनता है यार, कितना बड़ा बड़ा मशीन होता है। तो राजेंद्र नगर स्टेशन के बिल्कुल सामने में है और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनेगी, प्लस पटरियाँ तो उधर से जाएगी ही, यहाँ पे मेन स्टेशन बनेगी। क्योंकि हर जंक्शन हो या फिर स्टेशन हो वहीं पे मेन स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेशन करीब होता है ना मेट्रो से रेलवे का, इसीलिए। और ये देखो अपना राजेंद्र नगर टर्मिनल, सो यहीं पे भी है। यहाँ से अपन लोग ऑटो लेंगे, फिर अपन लोग दो ऑटो लेना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से अगम कुआँ, फिर अगम कुआँ से पहाड़ी।